आप लोग देख रहे जनार्दन टॉक्स एंड वेलकम टू द मामा अर्थ हेयर लॉस सीरीज पार्ट 3, जहां पर मैं अनियन हेयर मास्क एंड अर्गन हेयर मास्क का रिव्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने इसी सीरीज की पार्ट 1 में अनियन हेयर ऑयल अर्थ हेयर लॉस सीरीज का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर मैं अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू और पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड पार्ट 2 में अनियन शैम्पू एंड अनियन कंडीशनर का मामा अर्थ हेयर लॉस सीरीज पार्ट 2, जहाँ पर मैं अनियन कंडीशनर एंड अनियन शैम्पू का रिव्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन केस यू मिस्ड इट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कह दूं कि मामा अर्थ कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन से नहीं बनता है, वो सिर्फ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है। एंड मामा अर्थ का एक मोटिव है कि इन 5 ईयर्स वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आप जब भी मामा अर्थ की कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसमें से कुछ हिस्सा एज अ डोनेशन उस मोटिव में चला जाता है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडो। तो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है अनियन हेयर मास्क, फिर से आ गया छोटू ट्रायल पैक। तो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट रहेगा अनियन हेयर मास्क, जो एक्चुअली मैं 200 ml की एक बॉटल में आता है विथ MRP 599। एंड अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो ये मुझे समथिंग बोरोलिन का फील दिलाता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन स्मेल एंड फ्रेगनेंस इज समथिंग दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो आप लोगों को शायद ये अच्छा भी लगे, तो मुझे अच्छा लगा लेकिन उतना खास नहीं लगा। तो अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जिसमें कोई सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन नहीं है। इसके अलावा इसमें जो की प्रोडक्ट्स है वो है अनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर। अब ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ इफेक्टिव फॉर हेयर लॉस। इसके अलावा इसमें रोजमेरी ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं पहले ही बता दूं कि हर किसी का हेयर टाइप अलग अलग होता है, मतलब मुझको जो रिज़ल्ट मिला आप लोगों को भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मोर और लेस हम दोनों को सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसने जो परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड किया वो है मेरे बालों को ये शाइन प्रोवाइड किया, स्मूथनेस प्रोवाइड किया एंड हेयर को मैनेजेबल भी बना दिया, एंड हेयर फॉल में भी ये अपना थोड़ा बहुत जलवा दिखा दिया। अब अगर बात करें अर्गन हेयर मास्क की, तो ये प्रोडक्ट भी मैंने ट्रायल करके खरीदा है। तो अर्गन हेयर मास्क भी 200 ml की एक बॉटल में आता है, जिसका प्राइस 599 है। एंड अगर हम लोग इसकी फ्रेगनेंस की बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्ट और टी ट्री ऑयल को मिला के जो स्मेल आता है वैसा कुछ स्मेल करता है, जो मुझे बहुत यूनिक लगा एंड पसंद है। अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये तो केमिकल फ्री है ही, जिसका मतलब इसमें कोई सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबेन नहीं है। इसके अलावा इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है आर्गन, एवोकाडो ऑयल, मिल्क प्रोटीन। इसके अलावा इसमें सीडरवुड ऑयल भी है, रोजमेरी ऑयल भी है, टी ट्री ऑयल भी है, कर्ड एक्सट्रैक्ट भी है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप लोगों ने कभी ऑल इन वन प्रोडक्ट का नाम सुना है? दिस इज द ओनली वन। एग्जैक्टली, ये बालों को फ्रीज फ्री करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्मूथनेस देता है, नरिश करता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट हेयर लॉस में भी तो काम आता ही है, एंटी डैंड्रफ में भी काम आता है, एंड ये प्रोडक्ट ड्राई एंड कर्ली बालों के लिए भी सूटेबल है। तो इस प्राइस रेंज में मैं इस प्रोडक्ट को एक वैल्यू फॉर मनी एंड वर्थी प्रोडक्ट डेफिनेटली कह सकता हूँ। अब अगर इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो वीक में आप लोग 2 to 3 times आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड इसे अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग शैम्पू कर लेना। इट्स दैट इजी मैन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आज के वीडियो आप लोग को पसंद आए, यूजफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं आज का प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर बॉय रीत साइनिंग ऑफ।